The Bible says, Yohana ki patri uska 8th adhyay, Gospel of John, chapter 8, verse 12. Yahan likha hai, I am the light of the world. Yeshu Masih ne kaha ki main jagat ki jyoti hoon. अगर हम परमेश्वर के वचन को बाइबल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अश्योरेंस हैं या क्लेम्स हैं प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं. उसने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान मैं हूँ. प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और ऐसे बहुत सारे जो आई एम स्टेटमेंट हम जिसको जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है. लेकिन आज जो जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है जॉन चैप्टर 8 वर्स 12. हे जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. A very important claim that Jesus is trying to tell all of us that he is the light of the world. हम सब जानते हैं कि ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है इसके पीछे एक कारण होगा, इसके पीछे एक रीज़न होगा, एक पर्पस होगा. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मन से या अपने मुख से कोई भी ऐसी बात नहीं करते बस जैसे एक मनुष्य करता है. चलते फिरते हम कुछ भी बोल देते हैं या चलते फिरते हमारे मन में जो बातें आती हैं हम कह देते हैं. But the life of Christ and the message of Christ is not like that. उसके मैसेज में एक अथॉरिटी है, एक अश्योरेंस है, एक पर्पस है, एक डिग्निटी है, उसके पीछे एक रीज़न है. तो यहाँ पर जीसस ने कहा है, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ रियली रिमार्केबल वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम दैट जीसस इज ट्राइंग टू से. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्लेम वी हैव टू गो बैक टू इन द हिस्ट्री और थोड़ा सा हमको इसके बारे में जाँच पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना प्रकाश से क्यों कर रहे हैं, लाइट से क्यों कर रहे हैं, ज्योति से क्यों कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उदाहरण में बात करते थे, प्रभु यीशु मसीह संज्ञा देते थे या उपमा देते थे या एग्जाम्पल देते थे या कोई स्टोरी बताते थे उन सब के पीछे ताकि हम जो मनुष्य हैं उन बातों को हम समझ सकें. इसलिए यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा कि आप उदाहरण में क्यों बात करते हैं, व्हाई यू गिव एग्जाम्पल या आप उपमा क्यों देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको जीसस की लाइफ में देख सकते हैं कि जीसस ने हर बात को समझाने के लिए कोई ना कोई हमको दृष्टांत दिया, कोई उपमा दिए, कोई डेफिनेशन दिए, कोई स्टोरी बताई है. तो आज की शाम हम थोड़ा मनन करेंगे. व्हेन जीसस सेज दैट ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, और आपके लिए और मेरे लिए इसका क्या महत्व है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस. हम सबके लिए जो प्रकाश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. दुनिया के हम किसी भी कोने में रहते हों लेकिन जो प्रकाश का जो महत्व है वो बराबर है. और मुझे मालूम है हम जब हम छोटे छोटे थे, लाइक हमारी एज जब 8 साल की थी या 10 साल की थी, तो आजकल तो हमारा हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में रहते हैं, घरों में हमारे UPS है या बैकअप है. लेकिन आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले लाइट्स जो हैं वो कभी कभी कट ऑफ हो जाती थी, कभी कभी लाइट नहीं आती थी. तो क्या होता था कि जैसी लाइट चली जाती थी, अगर आप घर के किसी हिस्से में कोने में आप खेल रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती थी तो क्या होता था, जो बच्चे हैं वो दौड़कर मम्मी पापा के पास में आ जाते थे. हमें आज तक वो बात याद है कि जैसे ही लाइट चली जाती थी, अगर हम कहीं सीढ़ी पर हैं, नीचे जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर हैं, या फिर हम कहीं पार्क में खेल रहे हैं, तो हम दौड़कर भागते थे क्योंकि जो लाइट नहीं रहती थी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता और फिर आपको फियर लगता, आपको डर लगता है. खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको डर लगता है तो भागते हैं कि लाइट चली गई. और दूसरी बात, जब हम अपने घर में मम्मी डैडी के साथ बैठे होते थे, आराम से बैठे होते, लाइट नहीं होती थी, और जब लाइट आ जाती थी तो आपको याद है आप क्या करते थे. डू यू रिमेंबर कि आप क्या, जैसी लाइट आती थी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था. मुझे अपना रिएक्शन याद है, हम जोर से चिल्लाते थे कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, जोर जोर से चिल्लाते थे. और ये आवाज़ आसपास के सभी घरों से आती थी, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो सभी लोग यही कहते थे, लाइट आ गई, लाइट आ गई. तो लाइट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हम जानते हैं. जैसे हम उदाहरण में बात कर रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उदाहरण में बात करता था. तो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर अस. इसलिए हम आज समझेंगे कि जीसस ने अपने आप को लाइट के साथ जो कंपेयर क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. लाइट की जब मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक और घटना याद आती है. जब बहुत सालों पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, 4-व्हीलर खरीदी थी, तो वो बहुत पुरानी गाड़ी थी, सेकेंड हैंड गाड़ी थी, और उसकी जो हेडलाइट थी वो बहुत ही वीक थी, बहुत डिम थी. And what happened, कि जब मैंने वो गाड़ी खरीदी तो एक बार मुझे याद है कि इट वॉज ऑलमोस्ट रात को करीब 10:30 बज रहे थे. तो मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए थी, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के, क्योंकि नई नई गाड़ी आई थी तो मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी लेके थोड़ा मेडिकल स्टोर तक देख कर आऊँ. लेकिन उस रात बहुत बारिश हो रही थी. तो क्या हुआ, जब मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो मेरी वो जो डिम लाइट थी, जो थोड़ी बहुत जलती भी थी, वो भी बुझ चुकी थी. इट वॉज कम्प्लीट डार्क.
अब मैं क्या कर, अब चारों तरफ बारिश हो रही थी, नई नई गाड़ी थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है मैं बिना लाइट के ही आई कैन ड्राइव. सो आई स्टार्टेड अराउंड फ्यू मीटर्स, मैं थोड़ी दूर तक गया और मुझे याद है आज तक सड़क पर एक स्कूटर वाला जो सड़क को क्रॉस कर रहा था वो मुझे नहीं दिखाई दिया एंड आई बैंग, मैंने उसके अंदर टक्कर मार दी. तो जब मैं बाहर उतरा उसको संभालने के लिए तो उसने, मुझे याद है आज तक, उसने कहा कि आपको दिखता नहीं है क्या, डोंट यू सी. तो मैंने उसको कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जो गाड़ी की लाइट है वो ठीक नहीं है. सो यू नो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हेन यू डोंट हैव लाइट, यू नो, व्हेन जब आपके पास प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता, यू कांट सी इट, एक्चुअली यू कांट सी अराउंड. सो व्हाट इज लाइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिब्लिकली एज वेल एज साइंटिफिकली, आपको विज्ञान के दृष्टिकोण से और आत्मिक दृष्टिकोण से समझना होगा कि लाइट क्या होती है, हम लाइट किसे कहते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो साइंस की जो डेफिनेशन है, जो आप साइंस में पढ़ते हैं, वो ये है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेड अस फ्रॉम फोटोन एंड हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. मैं आपके लिए दोबारा इसको और सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है वो एक एनर्जी, एक प्रकाश, एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ताकत है जो हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है. तो ये लाइट कहाँ से आती है, क्या लाइट का सोर्स क्या है, और लाइट की, लाइट के विषय में हम पढ़ेंगे कि लाइट का जो है जो पर्पस क्या है और उसका फंक्शन क्या है, कैसे लाइट जो है काम करती है. तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिटिल बिट. तो बताना चाहता हूँ लाइट कैसा है. लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोन्स. फोटोन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए आपके पास एक ग्लास पानी है, यू आर हैविंग वन ग्लास वाटर. तो वो वन ग्लास वाटर कैसे बना, बहुत सारी छोटी छोटी बूंद जो है पानी की, जो ड्रॉप्स हैं, उससे जाकर आपका वन ग्लास वाटर बन गया. फॉर एग्जाम्पल उस वन ग्लास वाटर में मान लीजिए आप 1000 या 2000 ड्रॉप्स हैं, तो एक एक ड्रॉप करके वो जो आपकी 2000 ड्रॉप हो गया, जिससे आपका वन जो है ग्लास वाटर हो गया. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लाइट क्या है. लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपको साइंस में थोड़ा याद हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटोन्स कहते हैं. और ये फोटोन्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होते हैं, वो उसके अंदर एक लाइट होती है. बहुत सारे फोटोन्स, जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी बूंदें मिलकर बहुत सारी पानी को बनाती हैं, इसी तरह छोटे छोटे फोटोन्स मिलकर जो है वो बहुत बड़े प्रकाश को बना, जितना फोटोन्स ज़्यादा होगा उतनी लाइट जो होगी वो बड़ी होगी और ज़्यादा दिखाई देगी. तो हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि जीसस ने अपने आप को लाइट से कंपेयर क्यों किया एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइट. सो लिसन इट केयरफुली वंस अगेन, आप दोबारा इसको सुनिए. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. जो प्रकाश है वो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, ऐसी ऊर्जा है जो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है. ये कैसे बनती है? सो फोटोन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विजिबल लाइट. जो फोटोन्स हैं वो स्मॉल यूनिट है, छोटा टुकड़ा है विजिबल लाइट का. तो जब बहुत सारे फोटॉन्स हो जाएंगे तो ये हमें बड़ा प्रकाश दिखाई देगा. अब जब हम लाइट की बात करें तो मैं आपको लाइट के बारे में कुछ थोड़ी सी यूनिकनेस बताना चाहता हूँ. आपको सबसे बड़ी बात जानकर खुशी होगी कि जो लाइट है ये ट्रैवल करती है. जो लाइट का जो सोर्स है वो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है. जब आप अपने रूम में आते हैं और सपोज एग्जाम्पल आपने अपने रूम में आए और अपने घर में आए और चारों तरफ अंधेरा है, तो आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं. तो लाइट पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है, पूरे आपकी लाइट तो ट्यूब लाइट एक जगह पर है या बल्ब है आपके पास, जो इल्यूमिनेट जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि सन है और इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट जैसे आपके पास टॉर्च है या आपके पास में ट्यूब लाइट है या आपके पास में बल्ब है. तो क्या होता है, आप देखते हैं कि जब आप टॉर्च भी जलाते हैं तो लाइट आपकी टॉर्च से निकलकर दूर तक जाती है. इट मींस लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, लाइट कैन ट्रैवल. तो आप जानते हैं कि लाइट जो है हमारे पास दो सोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारे पास इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट है जो आपकी टॉर्च हो सकती है, बैटरी हो सकती है, और ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकती है. और हमारे लिए जो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन, दैट गॉड हैज गिवन अस, परमेश्वर ने वो हमको प्रकाश दिया है. एंड रिमेंबर वन थिंग, द बाइबल सेज गॉड हैज क्रिएटेड लाइट, परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया है. अगर आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, जस्ट लुक टू द बुक ऑफ जेनेसिस, और आप उसका पहला अध्याय और तीसरे पद को पढ़ें. उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और तीसरे पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया,
अब देखिए, परमेश्वर कोई छोटी सृष्टि नहीं बना रहा, एक छोटा घर नहीं बना रहा। गॉड इज नॉट मेकिंग ए स्मॉल हाउस जिसमें परमेश्वर कहे कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, बस एक घर में लाइट हो गई। बट ही इज टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स। परमेश्वर जिस प्रकाश की बात कर रहा है, जिस लाइट की बात कर रहा है, वो सूर्य की बात नहीं कर रहा है। गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट सनलाइट, क्योंकि आप देखेंगे कि वो सनलाइट आगे जाके वर्स 4 में या 5 में परमेश्वर जो है उस लाइट को बना रहा है। वर्स 3 के अंदर परमेश्वर ने लाइट को नहीं बनाया, अर्थात सूर्य को नहीं बनाया। सो गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लाइट, लाइट का सोर्स क्या है? सो गॉड हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ लाइट। यू अंडरस्टैंड, सन इज नॉट द सोर्स, इट्स ए सेमी सोर्स, इट्स ए सेमी सोर्स, बट एक्चुअल सोर्स ऑफ द लाइट इज गॉड। सो गॉड ओपनड हिज माउथ। इमेजिन आप कल्पना कीजिए कि परमेश्वर ने अपना मुंह खोला और कहा कि प्रकाश हो, और परमेश्वर के मुंह खोलने से प्रकाश जो है पूरे यूनिवर्स में हो गया। और जब मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ आपको, तो मैं किसी प्लेनेट की बात नहीं कर रहा, एक स्टार की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारी जो गैलेक्सी है उसी में बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ट्रिलियंस स्टार है, अनकाउंटेबल स्टार्स हमारी गैलेक्सी में। उसके अलावा ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये एवरीडे एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड का मतलब, अगर आप हबल्स लॉ पढ़ेंगे, फिजिक्स में हबल्स लॉ पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो लाखों करोड़ ट्रिलियंस जो इसमें स्टार्स एंड प्लैनेट है, ये एक जगह पर नहीं है, ये एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अर्थात जो प्लैनेट जिस प्लैनेट के पास में पहले हुआ करता था, आज वो, मैं ये अपनी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, या अपने हमारा जो सौर मंडल है उसकी बात नहीं कर रहा। तो सन की डिस्टेंस जो हमारी पृथ्वी के साथ है, या मून की जो डिस्टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ये दूसरा टॉपिक है, ये मैं किसी दिन आपको बाद में समझाऊंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, तो ये प्रकाश पूरी गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में हो गया, पूरे यूनिवर्स में हो गया, ये लाइट, ये प्रकाश हो गया। व्हाई गॉड मेड द वेरी फर्स्ट थिंग लाइट। मैं और आप जानते हैं कि अगर सब कुछ हो और प्रकाश ना हो, तो चीजों का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 मिनट के लिए, अपनी 1 मिनट के लिए अगर आंखें बंद करें, यू जस्ट क्लोज योर आईज, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको आसपास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। यू कांट सी एनीथिंग, यू कांट सी हाउ थिंग्स गुड अराउंड यू, आपके आसपास कितनी अच्छी चीजें हैं। सो व्हाई गॉड इज मेकिंग द लाइट, दो गॉड इज ए ओमनीशियंट ओमनीपोटेंट गॉड। बाइबल कहती है कि उसके लिए प्रकाश और अंधेरा दोनों एक समान है, उसको अंधेरे में दिखता है। बट द प्रिंसिपल, गॉड इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, यहाँ पर जो उद्देश्य है वो लाइट का, वो ये कि लाइट कितनी जरूरी है, प्रकाश कितना जरूरी है। अर्थात परमेश्वर जो अब सृष्टि को बनाने जा रहे हैं, नाउ गॉड इज गोइंग टू डिजाइन द होल वर्ल्ड, होल गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड मून्स एंड स्पेशली अर्थ जो परमेश्वर बनाने जा रहे हैं, दैट शुड बी विजिबल। हमने लाइट की क्या डेफिनेशन पढ़ी, द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड। तो हमारे आसपास की चीजों को देखने में प्रकाश मदद करता है। यही परमेश्वर हमारे जीवन में फाउंडेशन डालना चाहता है। द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज द लाइट, प्रकाश बहुत जरूरी है। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे, वो जो बाइबल कहती है, यीशु मसीह जिस प्रकाश की बात करें, वो केवल ये जो विजिबल लाइट है इसकी बात नहीं कर रहे, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लाइट। नाउ हम बात कर रहे थे स्पीड ऑफ लाइट की, हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो परमेश्वर से वो उजियाला निकलकर कैसे पूरे यूनिवर्स में फैल गया, हाउ द लाइट स्प्रेडेड यू नो ऑल ओवर द यूनिवर्स। जैसे आपकी टॉर्च लाइट निकलकर, या आपके ये जो ट्यूबलाइट है, ये पूरे कमरे को प्रकाश देती है। सो I am talking about again and again, the light is traveling, light is moving, एक जगह से दूसरी जगह चल रही है। आप जानते हैं कि अगर आप यूनिवर्स को भी आप स्टडी करते हैं, या आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो हर चीज़ मूव कर रही है, everything is in motion। इनफैक्ट आप भी इस समय जब अपने घर पर बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आप अपने चेयर पर बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या पलंग पर बैठे हैं, wherever you are, आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप घूम रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी भी 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। सो यू आर ऑल्सो मूविंग, आप भी घूम रहे हैं, और इस संसार में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑर्बिट्स में, और सारी चीजें जो वो घूम रही हैं, और उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा, इट्स टू मच स्पीड। पर क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे जो अभी तक यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा जो स्पीड में चलने वाली चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एनर्जी है, वो क्या है? शायद आप कहेंगे कि
रॉकेट होगा जो सबसे तेज चलता है? नहीं, सबसे स्पीड अगर अभी तक साइंस में किसी चीज़ को माना गया तो वो माना गया लाइट को, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। लिसन इट केयरफुली, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आप सोचिए प्रकाश की जो गति है, जो लाइट की स्पीड है, उससे ज्यादा इस संसार में, विश्व में, यूनिवर्स में कोई चीज नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी कितनी है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी है 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। तो 13,000 किलोमीटर की स्पीड से अगर प्रकाश चलता तो एक घंटे में नॉर्थ पोल से साउथ पोल पहुंच जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर फिजिक्स का लॉ ये कहता है कि जो प्रकाश की जो लाइट है, जो स्पीड है, वो है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। इस यू कैनॉट इमेजिन, यू कॉन्ट इवन थिंक कि ये गति कितनी फास्ट है। और हमारा जो सूर्य है, जो हमारा नेचुरल सोर्स है, जो हमारा सनलाइट है, सन हमसे कितनी दूर है? सो सन जो है वो हमसे 14,96,00,000 किलोमीटर हमसे दूर है, 14,96,00,000 किलोमीटर हमसे दूर है। तो सन से लेकर पृथ्वी तक, हमारे पृथ्वी तक आने में जो लाइट का सफर जो होता है वो कितने मिनट का होता है? वो 8 मिनट 20 सेकेंड का होता है, जो लाइट हमारे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में आती है, यानी सन से वो लाइट निकलती है। वो तो हमेशा ही है, हमेशा ही हमारे लिए निकली हुई है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है। तो जब हमारा जो पोर्शन है, जब वो सूर्य के सामने आता, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में लाइट जो है वो हम तक पहुंच जाती है। सो लाइट, मैंने आपको बताया, ट्रैवल करती है और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। नाउ हम बात करें, जीसस ने अपने आप को क्यों कंपेयर किया लाइट से? तो आपको इस बात को समझने के लिए मैं फिर इस बात को हमेशा अपने हर संदेश में ये कहता हूं, प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को समझें। दैट इज गॉड्स विल, ये प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को बेहतर तरीके से जाने। और जब आप परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानेंगे तो आपका संबंध परमेश्वर से और मजबूत होगा। और आप कैसे जानेंगे प्रभु को, आप प्रभु को कैसे जानेंगे? तो आपको जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमें इस चीज को बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान को प्रकट किया है। गॉड इज गिवन अस, परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया है, लेकिन हमें उस ज्ञान को ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज राइट, व्हाट इज द मीनिंग। हमें अपना टाइम परमेश्वर के संग स्पेंड करना है। तो हम बात कर रहे थे लाइट क्या है। लाइट इज अ सोर्स, लाइट इज एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब क्या होता है, जब लाइट चलती है, ट्रैवल करती है, तो लाइट नेचुरली है, जब कोई चीज चलेगी, ट्रैवल डिस्टेंस करेगी, तो वो किसी ना किसी चीज से टकराएगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, टकराएगी। तो हम देखेंगे हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमारे पास पानी है, वाटर जो है, या एक शीशा जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट उससे टकराकर उससे आगे निकल जाती है। या पानी है, पानी में भी हम देखते हैं, अगर बहुत साफ पानी है तो उसके अंदर भी पानी जो है वो आपको नीचे तक दिखाई देता है, कि उसका जो बॉटम है, सरफेस है, वो आपको दिखाई देता है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट जिसमें से निकल सकती है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे रॉक है, चट्टान है, या कोई दीवार है, जिससे लाइट टकराकर बाहर नहीं जा सकती, लाइट उससे टकराएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लें और हम इसमें लाइट जला लें, तो बाहर वाले कमरे में या पास वाले कमरे में जो है वो प्रकाश नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में दीवार है और आपने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगर आप इस दीवार को हटा दें या दरवाजे को खोल दें, तो प्रकाश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर जाएगा, जिसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कि लाइट आगे बढ़ रही है। दूसरा हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे बटर पेपर, और या आप कह सकते हैं कोई प्लास्टिक हो, जैसे हम पॉलिथिन कह सकते हैं, जो कि प्रकाश को थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं। जैसे बटर पेपर पर अगर आप टॉर्च मारेंगे
तो शायद वो प्रकाश थोड़ा सा बाहर निकलेगा, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं निकलेगा, उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट से हमारी जो लाइट है वो टकराती है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आई हो। जब जीसस इस बात को कह रहे हैं, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज क्लेमिंग दैट ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द पर्पस, हाउ लाइट वर्क्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रॉपर्टी क्या। क्योंकि जीसस ऐसे ही अपने साथ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे। देयर मस्ट बी सम सीक्रेट, देयर मस्ट बी सम इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो हम इस चीज को समझेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है हमारे पास लाइट का, वो क्या है? व्हाट इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट गॉड हैज गिवन अस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉर्च और बल्ब और ट्यूब लाइट्स। द नेचुरल ऑब्जेक्ट गॉड हैज गिवन अस दैट इज द सन। सूर्य परमेश्वर ने हमको दिया है। गॉड हैज प्लांटेड, परमेश्वर ने हमारे ऑर्बिट में सूर्य को लगा कर दिया है। और वो जो सनलाइट है वो एवरी डे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जब मैं और आप अपने घर में लाइट को यूज करते हैं तो हमारे पास बिजली का बिल आता है। यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट, आप जितना यूज करेंगे उतना आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। अभी बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में तो ये प्रीपेड हो गया है। सो पहले आपको लाइट खरीदनी है, उसके बाद फिर आप यूज कीजिए, और फिर आपका वो जिस लाइट आपका खत्म हो जाएगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू पे, एक्चुअली यू हैव टू बाय। बट कैन यू बिलीव दैट गॉड हैज गिवन यू अ लाइट? कैन यू इमेजिन दैट गॉड हैज प्लांटेड सन? परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए सन को लगाया, जो 6,500 साल से पृथ्वी पर आपको और मुझे एवरी डे विदाउट पेइंग एनी सिंगल मनी यू रिसीव इनफ लाइट। आप सोचिए कि अगर लाइट नहीं होती तो आप मैं और आप कैसे चलते और बाहर सारा अंधेरा अंधेरा होता। सो गॉड इज डेलिबरेटली पर्पजली ही डिजाइंड सन इन अवर ऑर्बिट ताकि हमको प्रकाश मिल सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सन है उसमें दो तरह के टेम्परेचर हैं। द सन हैज टू काइंड ऑफ टेम्परेचर और लाइट। उसके अंदर जो प्रकाश है और जो उसके अंदर हीट है। देखिए जब प्रकाश परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, सनलाइट बनाई है, तो उसमें दो चीजें हैं। द सन इज हैविंग, नंबर वन ही इज हैविंग हीट, उसके अंदर हीट यानी गर्मी है, ताप है, टेम्परेचर है। एंड सेकेंड इज द लाइट, जो हम फोटोन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। दो चीजें, हीट है और हमारे पास लाइट है। तो अब हम लाइट, अब हम हीट की बात करते हैं क्योंकि सन सबसे बड़ा हीट ऑब्जेक्ट हमारे पास में है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर उसका? आपने कभी सोचा कि उसके अंदर कितना टेम्परेचर होगा जो हमें इतने 6,500 साल से, जो हमको और आपको मानव जाति, जो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश मिल रहा और कभी खत्म नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि सूर्य की रोशनी ऐसा नहीं कि धीरे 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 खत्म हो जाए। हमारा और आपका बल्ब जो घर में होता है वो धीरे धीरे फ्यूज हो जाता है या गैस खत्म हो जाती है, लेकिन देखिए 6,500 साल से हमको इनफ। तो इसके लिए आप न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को बताया गया है, और बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में बताया गया कि जो एनर्जी है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज दैट एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द लॉ हैज़ बीन, जो यूनिवर्सल लॉ है वो कभी खत्म नहीं होते। जो हम और आप बनाते हैं, कोई चीज़ लॉ बनाते हैं या कोई चीज़, हम लॉ को तोड़ भी देते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। हमारे देश में कई लॉ बनते हैं, कई खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो फिजिक्स का लॉ है, जो परमेश्वर ने लॉ बनाया है हमारे प्लैनेट के लिए, प्लैनेटरी एस्ट्रोफिजिक्स जिसे कहते हैं, वो लॉ कभी चेंज नहीं होते, दैट इज कांस्टेंट लॉ। तो हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई वेरिएशन नहीं है। तो देयर आर टू टेम्परेचर, नंबर वन इज अ कोर टेम्परेचर एंड नंबर टू इज अ सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? जो बाहरी सतह है सूर्य का, जो बाहरी सतह है, जानते हैं आप उसमें कितना प्रकाश है? उसमें 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड प्रकाश है, यानी उसके अंदर जो तापमान है, हीट जो है, जो सरफेस, जो बाहरी सतह है, मान के चलिए मैं आपको बताऊं, एक बड़ी फुटबॉल ले लीजिए, तो फुटबॉल के ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हम सरफेस कहेंगे, उसमें 5,505 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा, ये हो गया सरफेस। लेकिन आप जानते हैं कोर में कितना होगा? जो कोर टेम्परेचर है वो आपको 15 मिलियन, आप सोचिए 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, आप सोच भी नहीं सकते 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, यू कैन नॉट इमेजिन। हम ह्यूमन थॉट से उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। अरे 50 डिग्री पर, 40 डिग्री पर तो पूरा हम जलने लगते हैं जब सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो ही 5,500 है, और अगर उसका कोर टेम्परेचर देखेंगे तो वो 15,000 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन?
This is the power of God. This is the grace of God. This is the mightiness of God. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जो सूर्य है उसका जो डायमीटर है वो 1.3927 मिलियन किलोमीटर है। 1.3927 मिलियन किलोमीटर का डायमीटर मतलब जैसे प्लेट होती है, एक प्लेट होती है तो आपकी प्लेट का डायमीटर हो सकता है 9 इंच हो या 6 इंच हो या 10 इंच हो, लेकिन जो सन है उसका जो डायमीटर है वो 1.3927 उसका मिलियन किलोमीटर डायमीटर है। और आप 13 लाख पृथ्वी, ध्यान से सुनिए, 13 लाख पृथ्वी, जैसे एक पृथ्वी है, दो पृथ्वी है, ऐसी 50 पृथ्वी या फिर 500 मान लीजिए, ऐसे करते 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 आप 13 लाख पृथ्वियां जो है वो सूर्य के अंदर डाल सकते हैं। यानी इतना बड़ा डायमीटर जो है वो सन का डायमीटर है। एंड हु क्रिएटेड दैट गॉड डेलिबरेटली डिजाइंड, ही प्लांटेड, उसने उस चीज को आपके और मेरे लिए बनाया। God does not require, परमेश्वर को प्रकाश की कोई जरूरत नहीं थी या किसी और चीज के लिए परमेश्वर के प्रकाश की इतनी कोई इंपॉर्टेंस हमको दिखती नहीं है, लेकिन ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए वो लाइट, वो ताप कितना जरूरी है। मैं थोड़ा सा और जल्दी आगे बढ़कर आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइट है, सूर्य की लाइट हम तक पहुँचती है, वो ऐसे ही नहीं हम तक केवल लाइट है, लेकिन उसके पीछे और भी कई रीजन है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पेड़ पौधे, जो हम जानते हैं हमारी जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, हीट लेते हैं, और जो जब हीट लेते हैं तो वो उसमें फंक्शन करते हैं। बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर आपने बॉटनी में पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ जो है वो सूर्य से सनलाइट लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और आपके लिए वो खाना भी बना रहा है, ग्लूकोज भी बना रहा है, और आपके लिए फल बना रहा है, और आपके लिए फूल। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बॉटनी जो क्रिएशन है। तो सोचिए कि सूर्य की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, लाइट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा। जब लाइट पृथ्वी पर नहीं आएगी तो ये पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन में। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप मुझे बताइए क्या हम मनुष्य इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, क्या कोई जीव जंतु इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। हमें जिंदा रहने के लिए लगातार ब्रीदिंग की आवश्यकता है, सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है, ये ऑक्सीजन हमको पेड़ देते हैं, लेकिन पेड़ सूर्य पर निर्भर करता है। तो लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, प्रकाश की कितनी इंपॉर्टेंस है। और फिर आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो लाइट है वो जो पेड़ के जो जड़ है वो मिट्टी से पानी लेती है और मिट्टी से मिनरल्स लेती है और सनलाइट लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और एनर्जी को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, और उसके बाद ग्लूकोज से वो फल या फूल आपके लिए और हमारे लिए प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, कैन यू इमेजिन। प्रभु यीशु मसीह जब लाइट की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बात कर रहे कि ठीक है उसने बोल दिया कि मैं लाइट हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द लाइट। अब मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताकर तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन को समझिए, इसको हिंदी में हम परावर्तन कहते हैं, हिंदी में परावर्तन कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, REFLECTION। रिफ्लेक्शन क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्शन का, कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए शीशा कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आप लाइट मारेंगे, जब आप शीशे पर लाइट मारेंगे अंधेरे में तो क्या होगा, वो लाइट शीशे से टकराएगी और वापस मुड़ेगी। आप जो जिस शीशे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस शीशे की बात कर रहा हूँ जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप शीशे में जो आप लाइट मार रहे हैं उसकी एक डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लाइट मार रहे हैं तो हो सकता है ये 70 डिग्री हो या और ज़्यादा किया आपने तो 60 हो सकता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री होगा। तो जितनी डिग्री होगी, द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहता है कि लाइट उतनी तेजी से दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, उसी थीटा पर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 डिग्री पर लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो 30 डिग्री पर ही लाइट वापस आएगी। इसको आपको समझना है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिबिंब या परावर्तन हम कहते हैं। ये आपको समझना है। आप कल्पना कीजिए इफ वी कट ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट जो आप तक प्रकाश पहुंच रहा है, अगर हम उसको कट कर दें, उसको रोक दें तो क्या होगा, आप अपने आप को अंधेरे में आप अपने आप को खड़ा हो पाएंगे। तो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, ध्यान से सुनिए, जब लाइट ट्रैवल करती है तो आपकी आईज का क्या रोल है,
व्हाट इज द रोल ऑफ योर आईज, लेट मी टेल यू, लाइट तो अपनी जगह ट्रैवल कर ही रही है, लेकिन आपकी लाइट को देखने के लिए आपकी आंखें बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। लाइट तो है लेकिन आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही, क्यों? उसको आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को इस तरह से बनाया है कि हमारी आंखें जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती है। ध्यान से सुनिए, लाइट अपनी जगह पर है, वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन आपकी जो आई है, आंख जो है, वो लाइट को डिटेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गुफा में जाएं और चारों तरफ अंधेरा हो, बिल्कुल चारों तरफ डेंस, बिल्कुल डार्क हो, तो क्या, और कहीं पर छोटी सी लाइट हो, वेरी स्मॉल, तो आप क्या करेंगे, आप उस लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे। दैट इज यू आर डिटेक्टिंग द लाइट। आपकी आंखों में परमेश्वर ने वो ताकत दी है। तो आपकी आईज कितनी प्रेशियस है, आप देखिए। आपको जानना है कि गॉड हैज नॉट क्रिएटेड ओनली द लाइट बट ही गेव यू आईज, ताकि आप आंखों से लाइट को डिटेक्ट कर सकें और चल सकें। ये इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव कि यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हमने लाइट की बात की, लाइट की डेफिनेशन की बात की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमने बात की कि तीन तरह के ऑब्जेक्ट की बात की जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। हमने बात की फोटॉन्स की, जो फोटॉन्स होते हैं छोटे छोटे, वो लाइट को मिलकर बहुत छोटे छोटे कण हैं वो बनाते हैं। दो तरह से लाइट जो ट्रैवल करती है, वेव्स में करती है और पार्टिकल में भी करती है। ये भी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम जल्दी से अपने दूसरे विषय पर जाएंगे। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, और दूसरा जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो लॉ है, वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। Refraction रिफ्रैक्शन क्या है? पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, Refraction रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब करना, परावर्तन करना। और जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है? वो अपवर्तन, उसको अपवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है, सीधा चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। लेकिन जब कोई चीज लाइट से टकराती है तो लाइट उसके बाद रिएक्ट करती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वो रिटर्न हो जाएगी, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो बाहर निकल जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट है तो थोड़ा बाहर निकलेगी। लेकिन आप गौर कीजिए कि पानी में क्या होगा। अगर आप लाइट को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप एक कांच के ग्लास में पानी ले लें और उसके अंदर आप एक पेंसिल डाल दें तो आप देखेंगे, उस शीशे में देखेंगे, आप ग्लास में देखेंगे कि आपको लगेगा कि जो पेंसिल है वो टेढ़ी हो गई है। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो प्रकाश है पानी में जाने के बाद आपकी पेंसिल टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन लाइट पानी में जाने के बाद में जो है वो टेढ़ा हो गया है। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो आपको समझना है। अभी मैं इन सब चीज का आपको स्पिरिचुअल मीनिंग बताऊंगा। अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपको स्पिरिचुअल मीनिंग बताऊंगा कि जीसस ने क्यों बोला कि ही इज अ लाइट, व्हाट वाज यू नो द रीजन। देन जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द पर्पस अबाउट इट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आंखों की बात कर रहे थे कि आपकी जो आईज है वो लाइट को डिटेक्ट कर लेती है। हम जानते हैं कि जो लाइट है उसमें हमको सब चीजें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने रूम में बैठा हूं, मैं सब चीजों को देख सकता हूँ। आप अपने रूम में बैठे हैं, आप सब चीजों को देख सकते हैं, तो आपको हर चीज कलरफुल दिखाई, जो जिसका कलर है वो चीज दिखाई दे रही है। आपको रेड दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, आपको ब्लू दे रहा है। एक ही बार में, इन अ वन शॉट, यू आर एबल टू सी डिफरेंट कलर। अगर दो चीजें सामने रखी है तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, व्हाइट है एक रेड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आंखों को डिटेक्ट करने की ताकत दी है। गॉड हैज गिवन यू द एबिलिटी टू डिटेक्ट थिंग। इसलिए आप 70 लाख रंगों को डिटेक्ट कर सकते हैं। 70 लाख, 70 लाख प्रकार के अलग अलग रंगों को आपकी आईज जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। इस चीज को समझिए, लाइट और आईज दोनों कैसे फंक्शन करती है। लाइट अपनी जगह पर है, लेकिन आईज का होना, आपकी आंखों में वो डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए आंखें बंद कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हम सबके पास में, हम लोग इन दिनों कैमरा यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो हमारे पास जो बेस्ट कैमरा होगा उसका कितना मेगा पिक्सल होगा? कितना मेगा पिक्सल आप सोचते हैं आपके पास जो सबसे अच्छा कैमरा है? अगर आपके पास आईफोन है, आप जानते हैं कि आपकी आंखों में कितना मेगापिक्सल है, तो आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल है।
45 मेगापिक्सल का या 32 मेगापिक्सल का कैमरा खरीदने के लिए कितने लाख दिए, कितना पैसा दिया? पर आप जानते हैं, God has blessed you with 576 मेगापिक्सल, कैन यू बिलीव इट, जो आप बेस्ट से बेस्ट पिक्चर देख सकते हैं। इतना अच्छा तो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। Praise the Lord, and God has given you. Now, you have understood all this, you know, fundamental light का जो fundamental है, what is light, what is the purpose, the property, how light works. Now, I'm again coming back to the very important point, which is the most important, is विज्ञान से बढ़कर। देखिए, ये तो physics था, इस physics से बढ़कर जो अब हम बात करने जा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। Now listen carefully. Thank you so much. So Jesus said, He is the light of the world. What does it meaning for Jesus and for you? आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम आपने ये words कितनी बार पढ़ी हो, कितनी बार आपने इस words को पढ़ा और आप आगे निकल गए। But let this words make sense in your mind. When you read this words, जब आप इस words को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह का वचन आप पढ़ते हैं, तो ये आपकी बुद्धि और आपकी समझ में आपको आना चाहिए कि purpose क्या है। Jesus ने कहा, I am the light of the world. This verse you find in John chapter 8 verse 12, यूहन्ना 8:12 में, ये आपको मत्ती, मरकुस, लूका और कहीं नहीं मिलेगा, because it has been recorded by only John. केवल यूहन्ना ने इस चीज को रिकॉर्ड किया है, उसको John 8:12 में रिकॉर्ड करके लिखा गया है कि जीसस ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। So there are two important Bible verses about light. The very first verse, पहली verse, उत्पत्ति उसके 1:3 में, उत्पत्ति उसके 1:3 में जहां परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट। अब सारी कहानी यहीं से शुरू हुई। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि सारी कहानी शुरू ही यहीं से हुई। जीसस ने कहा, परमेश्वर ने कहा ओल्ड टेस्टामेंट में, उत्पत्ति की पुस्तक 1:3 में, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। द फर्स्ट थिंग गॉड क्रिएटेड वॉज लाइट। रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग व्हाट गॉड इज क्रिएटिंग, परमेश्वर अपने आप में से कोई चीज को निकाल रहा है। गॉड इज मैनिफेस्टिंग समथिंग, ब्रिंगिंग आउट समथिंग, दैट इज लाइट। और वो लाइट कैसे आई? द बाइबल सेज गॉड ओपनड हिज माउथ, गॉड सेड, प्रभु ने कहा। दैट्स व्हाई आपको समझना होगा कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसमें प्रकाश है। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसमें ताकत है। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसका एक पर्पज, एक मीनिंग है। ये जो बाइबल आपके हाथ में है ऐसे ही नहीं है, इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मीनिंगफुल मीनिंग एंड पर्पस, बट यू हैव टू डिग इट, आपको इसको ढूंढ के निकालना होगा। सो टू इंपॉर्टेंट वर्सेस, फर्स्ट लेट देयर बी लाइट, प्रभु ने कहा कि यहां पर प्रकाश होने दो, और दूसरा वही चीज रिपीट की जा रही है, अब रिपीट की जा रही है जॉन 8:12 में, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको जानना है, अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर लाइट ना हो तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम एक उदाहरण देखें, लूका उसका 5:8 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह देखकर शमौन पत्रस यीशु के पांव में गिर गया और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, आई एम ए सिनर। नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, पत्रस ने यह बात क्यों बोली? पत्रस ने बात क्यों बोली कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? लाइट की जो डेफिनेशन मैंने आपको जो उसकी परिभाषा बताई थी विज्ञान के दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से, वो क्या थी? लाइट इज अ एनर्जी व्हिच हेल्प यू टू सी थिंग्स अराउंड अस। प्रकाश जो है, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है, जो हमें देखने में मदद करती है। तो अब तक पत्रस को कभी नहीं पता चला था कि वो पापी है, उसे कभी नहीं पता चला कि वो पापी है, लेकिन जब वो यीशु मसीह के सामने आया, when he encountered with Lord Jesus Christ, then he realized that he is a sinner because he could see himself in him. वो अपने आप को यीशु मसीह में रखकर देख समझ सकता था कि ये कितना पवित्र व्यक्ति है और मैं पापी हूं। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है जब पत्रस ने यीशु मसीह से साक्षात्कार किया। इसका एक और उदाहरण आपको, लूका उसका 19:19 जहां पर जकई की कहानी है। आप सब जानते हैं जकई की कहानी, कि किस तरह यीशु मसीह जकई के घर गए और उसके संग खाना खाया। तब क्या हुआ वहां पर? तब क्या हुआ,
वही जकाई बहुत पापी था। आप सब जानते हैं कि लोगों ने कहा कि वो पापी के घर गया है। जो दूसरे फरीसी लोग हैं, जो यीशु के चेले आसपास के लोग हैं, भीड़ है, वो ये कह रही है कि यीशु मसीह पापी के घर गया है। फिर क्या हुआ, यीशु मसीह वहां गए। वहां जाने के बाद वहां पर उन्होंने डिनर किया, लंच किया वहां पर जो भी था। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जकई ने कन्फेस किया। जकई ने कन्फेस किया, उसने कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ, जिसका जो लूटा है उसको मैं वापस कर देता हूँ, चौगुना भर देता हूँ। ये सब कैसे हुआ, बिकॉज द टाइम दैट डे जकायास वाज एबल टू सी हिमसेल्फ थ्रू क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में होकर यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। पहली बार द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही इज अ सिनर। वो पापी है, वो काला है, उसका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइट। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, या वो यीशु का विरोध करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि दे डोंट वॉन्ट टू बी एक्सपोज्ड इन द लाइट ऑफ गॉड। वो जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो बुराई वो कर रहे हैं, पाप जो कर रहे हैं, वो उसको, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के विषय में पढ़ा था, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो लाइट को रोकता है। इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट के समान हैं, वो जीसस की लाइट को थ्रू नहीं होने देते, बिकॉज वो उन कामों में रहना चाहते हैं, उन कामों को करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ये मसीहों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, हम लोग ट्रांसुलेंट बन जाते हैं, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, अर्थात बटर पेपर के जैसे, थोड़ी सी लाइट हम निकलने देते हैं, लाइट आने तो देते हैं और निकलने भी देते हैं, पर थोड़ी सी। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बट जीसस हमको क्या बनाना चाहते हैं, प्रभु हमको क्या बनाना चाहते हैं, हमने तीन ऑब्जेक्ट पढ़े थे। पहला ऑब्जेक्ट था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो यू अंडरस्टैंड, हमारे पास केवल थोड़ा सा समय है, 5-10 मिनट हम इस चीज को समझेंगे। तो जीसस ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हम देखेंगे 1 John 1:5, पहला यहुन्ना 1:5, यहां लिखा है गॉड इज लाइट। देखिए आप समझिए इस चीज को, गॉड नॉट ओनली क्रिएटेड लाइट बट ही हिमसेल्फ इज ए लाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ लाइट विच इज सन, एन इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, जिससे इस प्रकाश को, प्रकाश हम तक आता है, माध्यम है। पर परमेश्वर केवल माध्यम ही नहीं है, गॉड इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट बट ही हिमसेल्फ इज ए लाइट। दैट यू एंड मी हैव टू अंडरस्टैंड। 1 John 1:5 सेज गॉड इज ए लाइट, परमेश्वर जो है वो प्रकाश है, उसके अंदर, वो उसके अंदर जीवन ज्योति है और वो स्वयं भी ज्योति है। इसलिए आप भजन संहिता 119:105 निकाल लीजिए। भजन संहिता 119:105 में लिखा है योर वर्ड इज ए लैम्प फॉर माई फीट एंड द लाइट ऑन माई पाथ। तेरा वचन जो है वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि जब लाइट नहीं होगी, अगर ये जो विजिबल लाइट है, जो फोटॉन्स हैं, ये हमारे आसपास नहीं होंगे तो हम चीज़ें नहीं देखेंगे। कभी हम सीढ़ी पर गिरेंगे, कभी हम सड़क पर गिरेंगे, आसपास हम टकराते रहेंगे। इमेजिन आप आँख बंद करके इस सर्मन के बाद आप आँख बंद करके अपने घर में घूमने का प्रयास कीजिए, तेजी से अपने घर में घूमने का प्रयास कीजिए। क्या आप घूम पाएंगे? नहीं। दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट। लाइट, यू इफ यू टू वॉक इन योर लाइफ यू नीड अ लाइट। दैट्स व्हाई जीसस सेड एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेड योर वर्ड इज अ लैम्प फॉर माय फीट एंड द लाइट ऑन माय पाथ। कुछ और वचन को देख लेंगे। दाऊद कहता है भजन संहिता 27:1 में लॉर्ड इज माय लाइट। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर जो है वो मेरे लिए प्रकाश है। यूहन्ना 1:5 में लिखा है द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। जो रोशनी है वो अंधकार पर चमकती है, लेकिन अंधकार उसको ग्रहण नहीं करता। जैसा हमने बताया कि अंधकार के काम जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के समान है, जिससे प्रकाश टकराता तो है। प्रभु की लाइट सबके लिए है। द लाइट ऑफ गॉड इज फॉर एवरीवन। व्हेन जीसस सेड इज अ लाइट, ही इज फॉर एवरीवन, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बनना चाहते हैं,
आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं, आप ओपेक ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं, या आप ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं, आप लाइट को रिफ्लेक्ट होना देना चाहते हैं या लाइट को रिफ्रैक्ट होने देना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू. एंड दैट्स व्हाट जीसस सेड, इफ यू ओपन द डोर आई विल कम टू यू. सो इट इज इन योर हैंड, ये आपके हाथों में है. दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा प्रकाश है. आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 में क्या लिखा है, यशाया उसका 60 अध्याय 1 में लिखा है, अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड राइज अपॉन यू. उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन केयरफुली, जीसस नॉट ओनली केम इनटू दिस वर्ल्ड टू शाइन अपॉन यू, बट ही ऑल्सो केम टू मेक यू लाइट. ही सेड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड नाउ. आप एक प्रकाश का, एक दीपक के समान हैं. आप जाकर लोगों को मार्ग में जो है उजियाला दें, उनको प्रकाश दें और उनको बता सकें कि वास्तव में हमारे लिए प्रकाश कितना जरूरी है. तो व्हाई जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाई द गॉड बिकम मैन, बिकॉज द होल वर्ल्ड वॉज इन सिन. पूरा संसार पाप में पड़ा था, पूरा संसार अंधेरे में पड़ा था. ऐसे लिखा है कि एक ज्योति चमकी, एक बड़ी ज्योति चमकी, बड़ी ज्योति चमकी, ताकि पूरा सब कुछ जो है वो प्रकाशमान हो सके. मेरे प्रियो, आपको और मुझे समझना है, आपको और मुझे समझना है. अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, अगर आप न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कमरे में कोई टेबल रखी है तो वो हमेशा रखी रहेगी जब तक कोई उसे उठाकर इस स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाए. तो जब आप पाप की दशा में पड़े हैं, आप अंधकार में पड़े हैं, आप बीमार पड़े हैं, जब तक कोई आपकी सहायता आकर बाहर से ना करे तब तक कुछ नहीं. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एनीथिंग विच इज स्टेट इन इन स्टेट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स कम्स. यह बात आपको और मुझे समझनी है. तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो चीज जितनी भारी है उसको हटाने के लिए उतनी ही ताकत लगेगी. तो एक बड़ी ज्योति की आवश्यकता है. मनुष्य की फिलॉसफी, मनुष्य की ज्योति, मनुष्य के ज्ञान से संसार का ज्ञान दूर, पाप जो है वो अंधकार वो दूर नहीं हो सकता. एक बड़ी ज्योति चाहिए हमको. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टडी पसंद आई होगी, इससे आप आशीषित हुए होंगे. हम एक बार खत्म करने से पहले इसको रिवाइज कर लेंगे. सो वॉट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that help us to see things around. ऊष्मा जो प्रकाश जो है वो एक ऐसी शक्ति है, ताकत है, जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है. ठीक है. And light जो है वो छोटे छोटे photons से मिलकर बनती है. Photons is the smallest unit of light, of visible light. Light जो है वो travel करती है, जैसे मैंने आपको बताया, तीन तरह के object से टकराती है. 299,792 किलोमीटर की स्पीड से चलती है. जो सन से हमारी पृथ्वी की जो दूरी है वो 1,49,06,000, मैंने आपको बताया, 14,96,00,000 उसकी जो है वो किलोमीटर दूरी है. और 8:20 में जो सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी तक पहुंच जाता है. ये सब कितना अद्भुत है. दिस इज सो प्रेशियस, सो इंपॉर्टेंट, सो मीनिंगफुल. एंड दैट्स व्हाई योर जीसस क्राइस्ट सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. I believe and I pray, may you walk in the light of Jesus Christ. Not only you, once you will able to walk, you will able to see things around you, you will help others to walk in the light. May the Lord bless you, grant you wisdom and good health, and help you to walk in the light of Jesus Christ, who says, I am the light of the world. Thank you so much and God bless you.